एक ऐसी पहल है जो मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने संग्रहालयों और ऐसे ऐतिहासिक स्थानों के लिए आरंभ किया है कि आप उस ऑब्जेक्ट के पास जब जाते हैं तो एक तरह का वह ऑडियो गाइड है जो आपके एंड्रॉइड फोन पर स्कैन करने से अपने बारे में बताना आरंभ करता है। तो जो लोग चाहें वो उसका उपयोग कर सकते हैं QR कोड का। इससे उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है बल्कि वह एक वॉइस के साथ उस पादर्श के बारे में विशिष्ट जान सकेंगे। इससे जिस तरह के संग्रहालयों में उत्तरोत्तर विकास हो रहे हैं तो उस विकास की तरह देखा जाना चाहिए कि संग्रहालय अपनी प्रस्तुति में आधुनिक संसाधनों के उपयोग के लिए उत्सुक है। यह उत्सुकता सभी प्रदर्शनों के साथ बने इसके लिए बोर्ड हमारा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड इसके लिए सतत काम कर रहा है। सर और क्या क्या अलग से सुविधाएं मिलने वाली हैं इस म्यूजियम में दर्शकों को? म्यूजियम में वो समस्त जन सुविधाएं जो एक दर्शक जिज्ञासु शोधार्थी के लिए होनी चाहिए वो सारी पहले से ही उपलब्ध हैं। और जब भी ऐसा लगता है कि किसी शोधार्थी को विशेष रूप से एक जनजातीय समुदाय के बारे में उसकी संस्कृति के बारे में जानने की जरूरत है तो वह कार्यालय में संपर्क कर सकता है, तो उससे उन विशिष्ट पक्षों को जिसमें वो शोध के लिए उत्सुक है सलाह दी जाती है। बहुत तरह के साहित्य दिए जाते हैं, पुस्तकालय में रेफरेंस से संबंधित उससे किताबें दी जाती हैं, पढ़ाई की जाती हैं जिससे वह अपने शोध को पूरा कर सकते हैं।